यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, चार यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना सर, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? ये वीडियो हरियाणा के सोनीपत में मौजूद अशोका यूनिवर्सिटी के IIT कॉम्प्लेक्स का है, जहां नशे को लेकर जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था। फंक्शन के बीच में एक छात्र ने वहां मौजूद सारे अधिकारियों की बोलती बंद कर दी। भरे हॉल में छात्र ने पुलिस को उनके ही सामने आईना दिखा दिया। छात्र की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और नशे के विरोध में बड़ी बड़ी बातें छौंकने वाले अधिकारी सन्न रह गए। वायरल हो रहे वीडियो में छात्र ने वही बातें कही जो अक्सर आम लोग आपस में करते हैं नशे को लेकर, जो बातें कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करते हैं, उसने वही चीज़ें पुलिस अधिकारी के सामने बोल दी। ये बात वहाँ बैठे दूसरे साथियों को खूब पसंद आई, वीडियो वायरल कर दिया, तालियां ज़बरदस्त बजी। लड़के का नाम शिवांश है, शिवांश अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। शिवांश का कहना है कि जब एक आम स्टूडेंट को नशे का सामान इतनी आसानी से मिल जाता है तो पुलिस के हाथ कैसे नहीं लग पाता। वकालत की पढ़ाई कर रहा था लड़का और पुलिस वाले के सामने एक भावी वकील पड़ गया और उसने सिस्टम के धागे खोल दिए। सुनिए, सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? पुलिस पर सवाल करते ही मंच पर खड़े अधिकारी ने शिवांश को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक बार उसने बोलना शुरू किया तो रुका नहीं, उसने उल्टा अधिकारी को ही चुप करा दिया। उसके बाद एक एक कर ऐसी दलीलें दी जिसमें फ्रंट पे सामने बैठे मुख्य अतिथि तक टेंशन में आ गए कि ये क्या हो रहा है। और वो वाला मीम याद आता है, परेश रावल वाला, कौन सा मीम है आप कमेंट करके बताइएगा। अरे बाप रे से शुरू होता है और ये नायक फिल्म का डायलॉग है, मुझे याद आ गया। इसके बाद जो है क्या बोला वो भी सुनिए। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है। इतना बोलने के बाद शिवांश पुलिस की नाकामियां गिनवाने वाला था, लेकिन उसे बैठा दिया गया। लेकिन अब उसे बीच में ही चुप कराने का मामला दबने वाला तो था नहीं, वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई। DSP सतीश कुमार जो सामने मंच पे थे, उनका भी बयान आया, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। अशोका यूनिवर्सिटी में IIT कॉम्प्लेक्स में जागरूकता अभियान HSNCB द्वारा चलाया गया था। उस दौरान लेक्चर के बाद जब जैसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये चौकी के आसपास यहाँ पर गांजा बिकता, पुलिस क्या कर रही। तो मैंने उनको सेटिस्फाई कर दिया था कि हमारी टीम में भी आज जैसे नोटिस में आया है, तो आज से हमारी टीम भी उसकी निगरानी रखेगी और स्थानीय पुलिस भी मीडिया के माध्यम से अवगत हो चुकी है, तो अवश्य ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे और स्थानीय पुलिस तो वहाँ पर है ही, वो तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। देखिए वो सूचना की बात है, जैसे अब सूचना आई है तो उस पर एक्शन भी जरूर होगा और हम प्रयासरत हैं, हमने भी अपने सोर्सेज लगाए हैं और अगर ऐसा है तो हम अवश्य इनको जल्दी पकड़ें। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद कई इंटरनेट यूजर्स का कहना है लॉ स्टूडेंट्स ने सिस्टम के धागे खोल दिए। इसे लेकर DSP से सवाल पूछा गया तो उन्होंने और क्या कहा, ये जवाब भी सुन लीजिए। देखिए उसकी विश्वसनीयता का भी कोई हम आइडिया नहीं लगा सकते कि वो बच्चा किस संदर्भ में बोल रहा था, लेकिन हमने निगरानी वहाँ पर लगा दी। जानकारी के लिए बता दें ये कार्यक्रम अशोका यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया, जिसमें BR अम्बेडकर लॉ नेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद थे, SRM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल हुए थे। लॉ स्टूडेंट के इस सवाल और साहस को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई लोकेशन है जहां खुलेआम गैरकानूनी तरीके से नशे का सामान बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जानकारी पुलिस तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और जो नशे का कारोबार है वो भी टूटेगा। ये पूरी खबर आपके लिए हमारे साथी विभावरी ने लिखी थी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और जहाँ जहाँ आपके घर के आसपास कस्तूरी मेथी मिल रही हो, कस्तूरी मेथी आप समझ रहे हैं जिसका जिक्र लड़के ने किया, गांजा, तो उस पर प्रहार जरूरी है, उस पर लेकर सवाल उठाते रहिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।